छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में श्रमजीवी पत्रकार संघ का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि अनिला भिड़िया, मंत्री महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़, अध्यक्षता अरविंद अवस्थी, प्रदेश अध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार संघ के सानिध्य में चुरगिया मांगलिक प्रांगण धमतरी रोड देवार भाट बालोद में सम्पन्न हुआ। पत्रकारों की हालत पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्षता कर रहे अवस्थी ने कहा कि निस्वार्थ देश समाज के लिए काम करने वाले कर्मवीर आज अपने हालत पर विवश और बेबस है। भीड़, दंगा, आगजनी, महामारी या फिर नेताओं की समाचार कवरेज करनी है तो अपनी जान जोखिम में डालकर किसी भी तरह पहुंच जाते हैं, परंतु बदले में मिलता क्या है? अधिकारियों का तिरस्कार, नेताओं के आगे पीछे घूमने वालों की गाली, पुलिस वालों की फटकार, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर भी अपना कर्तव्य समझकर फर्ज अदा करने वाले लोगों के लिए सरकार भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इससे साबित होता है कि दुनिया भर की खबर दिखाने वाले मीडिया कर्मियों को तुच्छ समझ रहे हैं और समाचार किसी भी तरह योजनाओं का लाभ नहीं दे रहा है। पत्रकार सुरक्षा कानून की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रदेश में मीडिया कर्मियों की जो हालत है वह किसी से छुपा नहीं है। आज हमारे बालोद जिला में राज्य स्तरीय श्रमजीवी पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो वो सम्मेलन में हम सबको भागीदारी बनने का मौका मिला और श्रमजीवी पत्रकार संघ के साथियों ने हमें निमंत्रण भी दिया था, तो इसी बहाने इनके सम्मेलन में आकर उन लोगों को शुभकामनाएं भी दी और उनकी समस्याओं से भी अवगत हुई। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो हमारे पत्रकार साथियों की समस्याएं हैं, उनकी जीवन रक्षा की बात है, उसके लिए बिल्कुल विचार कर रहे हैं और आने वाले समय में पूर्ण विश्वास है कि इनकी जो मांग है वो पूर्ण होगी। श्रमजीवी पत्रकार संघ बालोद जिला इकाई की तरफ से आज प्रदेश का सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रदेश का सम्मेलन आयोजन का उद्देश्य ये रहता है कि पूरे प्रदेश भर के पत्रकार साथी एक जगह इकट्ठा हो, उनके सुख दुख की चर्चा हो, उनकी कठिनाइयों की चर्चा हो, उनकी कठिनाइयों को दूर कैसे किया जाए, पत्रकार समाज में जो भ्रांतियाँ हैं, पत्रकारों की जो पीड़ा है, पत्रकारों का जो दुख दर्द है वो कैसे दूर किया जाए, उनको मदद कैसे किया जाए, इस पर चिंतन विषय पर हम लोग आज संगोष्ठी भी रखे थे और वर्तमान परिस्थिति में पत्रकार साथियों को कैसे राहत मिले, उनकी सुरक्षा कानून के लिए सरकार जो योजना ला रही है उस पर चर्चा हो, पत्रकार साथियों के लिए जो सरकार योजना बनाई है वो उन तक पहुँचे, उसका लाभ ले सके, इन सारे चीज़ों की विषय पर चर्चा भी है। बालोद से रूपचंद जैन, सी जी विजन टीवी।